Hello everyone. The next descheduling algorithm is look. Again, the example is same. Currently my head is at 53. So look is same as scan, but in scan hum kya kar rahe the? Scan mein 199 last track tak jate the aur fir matlab forward direction mein sari request fulfill karte karte last track par jate the and then reverse mein jitni bhi request aati thi unko fulfill karte the. Sirf difference kya hai scan aur look mein? इस टाइम हम लास्ट ट्रैक तक नहीं जाएंगे, लास्ट ट्रैक नंबर रिक्वेस्ट तक जाएंगे बस, और फिर रिवर्स में जाते जाते सारी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं 53 से, 65, देन 67, देन 98 रिक्वेस्ट आई, फिर 122 रिक्वेस्ट आई, देन 124, फिर 183. अब हम लास्ट तक नहीं जाएंगे, सिर्फ 183 पर वापस अब रिवर्स डायरेक्शन में देखेंगे कोई रिक्वेस्ट है. हम ऑलरेडी फुलफिल कर चुके हैं. अब ये रिक्वेस्ट आती है 41 एंड देन लास्ट में रिक्वेस्ट आती है 14. तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है. एग्जैक्टली वैसा ही है स्कैन की तरह, बट स्कैन में हम एंड तक जा रहे थे, यहाँ पर हम एंड तक नहीं जा रहे. हम जो भी लास्ट रिक्वेस्ट है वहीं तक जाकर रिवर्स डायरेक्शन में जो भी रिक्वेस्ट हमारी है उसको फुलफिल करें. सो अगेन वी हैव टू फाइंड आउट टोटल ट्रैक मूवमेंट. सो द टोटल ट्रैक मूवमेंट इज 299. दिस इज द आंसर. I hope you understand this look algorithm. Thanks for watching my video. Thank you so much.